नमस्कार, मैं संजीव कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टाइम्स ऑफ हिंद। आज इस कोविड की महामारी में हम आ पहुंचे हैं एक मेडिकल हॉल में, तास्कर मेडिकल हॉल, इंडियाज फर्स्ट हेल्थ केयर मॉल। इसके बारे में क्या है, क्यों है, कैसा है, ये तमाम जानकारियां हमें हमारे साथ अभी जुड़े अजय उपाध्याय जी देंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहली चीज, ये नाम, ये फ्रेंचाइजी, ये ब्रांड और वजह, क्या वजह रही कि सिर्फ ये? मार्केट में तमाम चीजें हैं, वजह सिर्फ ये क्यों? ऐसा है कि टास्कर है तो कंपनी, एक टास्कर करके है वो कंपनी जिसने वो फ्रेंचाइजी दी है हमको, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारा जो मेडिकल स्टोर है और 10% से लेकर के 85% तक आदमी का जो पैसा है उससे हो सकता है दवाओं के माध्यम से। मतलब आपके कहने का मतलब है जो और कंपनीज नहीं कर रही हैं वो आप कर रहे हैं, 10% से 85% तक की छूट आप अपने तमाम लोगों को देंगे? जी हाँ, 100%, 10% से जो जैसी दवा होगी उस हिसाब से उस दवा पे 10% से लेकर के 85% छूट तक हमारे इस मेडिकल स्टोर से दवा पेशेंट को, कस्टमर को मिलेगी। यहाँ से जो छूट आप दे रहे हैं, क्या इसका असर कहीं क्वालिटी पे पड़ेगा? नहीं, कोई क्वालिटी पे नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप पेटेंट दवा, मैं सपोज दैट मैनकाइंड की दवा है, आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको रिटेल स्टोर पर मतलब प्रिंट रेट पे ही देंगे, लेकिन हमारे यहाँ वो दवा, चूंकि वो पेटेंट दवा है तो उस पे हमारे यहाँ उस पे 10% की हम छूट देंगे कस्टमर। जो एक कॉन्सेप्ट चला था आज से कुछ समय पहले मेडिकल फील्ड में, मतलब जो दवाइयों की एरिया है इसमें, जेनरिक मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट चला था, उससे आपकी जो फ्रेंचाइजी है वो कितना ताल्लुक रखती है? हाँ, जैसे जेनरिक दवा हमारे यहाँ पे लेने आएंगे तो जिस हिसाब से जो जेनरिक दवा होगी उसमें हम 10% से लेकर के 85% छूट जो है हम जेनरिक दवाओं पे भी देंगे हमारे यहाँ। जी, रही बात आपके इस फ्रेंचाइजी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या सारी दवाइयों का आप इसी ब्रांड के तहत और इसी ऑफर के तहत वो करते हैं, सेल करते हैं? ऐसा है कि दवाओं के नाम जो जिस लगभग टास्कर के पास 2.5 लाख प्रोडक्ट हैं दवाओं के, और हर कंपनियों से इनका खुद का टाई अप है, तो नाम टास्कर का केवल एक लेबल है, लेकिन दवा जैसे मैनकाइंड कंपनी की है वो मैनकाइंड की रहेगी, और अदर जो कंपनियां की हैं वो, चूंकि टास्कर जो है उनसे बल्क मात्रा में, जैसे सपोज आजकल नेटवर्क मार्केटिंग आप जानते होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में बीच का वो खत्म हो जाता है और केवल बायर टू बायर सप्लाई करता है, तो हमारी कंपनी डायरेक्ट कंपनी से जो है, टास्कर जो है डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करके हमारे मेडिकल स्टोर पे और देती है, तो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होते हैं ये इनका कोई रोल नहीं रह जाता है इसमें, इस नाते हमारे दवा वो सस्ती मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक कुछ अंतिम प्रश्न रहेंगे मेरे, जिस तरीके से आप देखें पिछले साल दो साल में कोविड की वजह से तमाम महामारी आई, उसमें आपका ये जो टास्कर ब्रांड है, इंडियाज फर्स्ट हेल्थ केयर मॉल, इसका क्या योगदान रहा? असल में इंडिया हेल्थ केयर मॉल, यहाँ पे आपको हर तरह की दवाएं मिलेंगी, ये मॉल टाइप में, जैसे बिग बाजार का जो मॉल का कॉन्सेप्ट था उसको भी टास्कर ने तीन तरह के मॉल्स बनाए इसने, माइक्रो, मिनी और मेगा, तो भी हमारा ये मिनी मॉल है, तो इसमें मतलब आयुर्वेद से लेकर के सारी चीजें आपको यहाँ पे एक छत के नीचे और दवाएं सारे उपलब्ध होंगी, यही टास्कर की परिकल्पना। बिल्कुल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और आप किस हद तक इस अपने फ्रेंचाइजी को, अपने इस काम को लेके सामाजिक रूप से देखते हैं? अब चूंकि हर व्यक्ति जो है समाज, मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ, आप भी सामाजिक प्राणी, तो प्रत्येक व्यक्ति की ये सोच होती है कि हमारे 1 रुपए कम से कम सेव हो किसी पर, तो यदि हम समाज में है तो हम भी सोच रहे हैं कि लोगों का जो है पैसा सेव हो, क्योंकि हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा पैसे लोगों के लगते हैं, तो हमारे यहाँ जो आएगा वो दवा उसको सस्ती मिलेगी, कम से कम एक गरीब बेचारा जो पैसे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता है तो हमारे यहाँ से वो अपना जो पैसा जो 85% तक छूट है उसमें अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और एक अच्छे हेल्थ केयर के साथ ब्रांड अपना ले सकते हैं। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे अजय उपाध्याय जी को, जिन्होंने टास्कर इंडिया फर्स्ट हेल्थ केयर मॉल के बारे में आपको बताया, इसकी उपलब्धियां, इसकी जो व्यवस्था है, इसके जो विजन है, इन सभी पे इन्होंने प्रकाश डाला। ऐसे ही बने रहिए द टाइम्स ऑफ हिंद के साथ, देखते रहिए द टाइम्स ऑफ।